क्योंकि यहाँ पे आगे फिर पछताना पड़ता है, ऐसा ना हो कम सैलरी में आप ऑफर लेटर साइन कर देते हो, कि कोई अगर बंदा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वो उसको रोजगार नहीं है, वो जल्दी जल्दी में देख रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो बहरीन कंट्री जो है उसकी सैलरी के बारे में है, कि मिनिमम सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, जो आप यहाँ पे आप खा खर्च के अपना खर्च निकाल के घर पे इतना पैसा भेज सकते हैं कि उसमें फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसी इसी उसमें मैटर में आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कितनी सैलरी पाए, जितनी टेक्नीशियन है स्किल्ड लेबर है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब अगर आप बहरीन आना चाहते हो, बहरीन आ रहे हो, तो सबसे पहले आप जो सैलरी है वो बहुत अच्छी करके देख लिए, क्योंकि यहाँ पे आगे फिर पछताना पड़ता है, ऐसा ना हो कम सैलरी में आप ऑफर लेटर साइन कर देते हो, कि कोई अगर बंदा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वो उसको रोज़गार नहीं है, वो जल्दी जल्दी में देखता है यार यहाँ पर कोई काम नहीं है, चलो साइन कर दो और चल रहे बाहर। अब यहाँ पे आके इतने खर्च होते हैं बहरीन में आने के बाद में, खाने का खर्च है, कपड़ों का खर्च है, ठीक है, और मोबाइल का खर्च, बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं यहाँ पर, अगर आदमी पछताता है फिर। तो इसी उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो दोस्तों जितने भी एसी टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन है या कोई लेबर है, उसको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी नहीं मिल पाती है, और वो यहाँ पर आ जाता है फिर पछताता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बहुत खर्च होते हैं, फिर पछताना पड़ता है। कोई एजेंट है या जिस कोई भी कंसल्टेंसी ऑफिस है, आप वहाँ से आ रहे हो, किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हो, जिससे भी आ रहे हो, वो आपको बहुत अच्छे अच्छे सुनहरे मुँह बताएगा रास्ते, कि भाई इतनी सैलरी है आपकी और इतना पैसा आप घर भेज दोगे। कैसे कैसे सबने दिखाया कि आपकी 80 BD सैलरी है और आप आराम से 50,000 रुपये घर भेज दोगे। अरे मेरे भाई कैसे भेज देंगे बताओ। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ बहरीन में, मुझे बहुत अच्छा यहाँ का एक्सपीरियंस है कि कितनी सैलरी में कितना खर्च यहाँ के निकाल के हम यहाँ घर पे कितना भेज सकते हैं। 80 BD में कभी भी इतना पैसा कैसे भेज देंगे। ठीक है, गूगल में देखो आप 1 BD इंडिया का कितना चल रहा है, 1 दिनार। ठीक है, गूगल में उसमें रेट कम बढ़ती होता रहता है, कभी 219 कभी 218 इस तरीके से चलता रहता है, उसमें देखिए कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 80 BD अगर हमारे हैं, अगर ओवर टाइम चल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसको प्लस करके बाद में हम जो हमारा खर्चा है 80%, जो बहरीन की कंपनी वो खाना नहीं देती है, फिर खाने का निकालना पड़ेगा 20-25 BD, 8-9 BD आपको मोबाइल का निकालना पड़ेगा, कपड़े दे रही है कंपनी तो ठीक है, नहीं तो वो भी कपड़े भी लेने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे खर्च होते हैं। कुछ पॉकेट खर्चा होता है, कुछ स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसका खर्च होता है मिला जुला के। तो जिसकी 80 BD सैलरी है वो अगर ओवर टाइम चल रहा है थोड़ा बहुत, तो 20,000 रुपये भेज सकता है, वरना तो 17-18 हज़ार रुपये 16 हज़ार रुपये यही भेजेगा भाई, वो इससे ज़्यादा नहीं भेज सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ जितनी भी टेक्नीशियन है कि यहाँ पे कितनी सैलरी पे आना चाहिए। तो भाई जो एसी टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन है वो 130 से 140 सैलरी पे ही आए, तो आप ओवर टाइम लगा के फिर जो है आप घर भेज सकते हो, 25,000 से लेके 30,000 तक घर भेज सकते हो। ठीक है, और जो एजेंट आपको वहाँ पे या जो लेबर है बगैर पढ़े लिखे उनको बोले कि भाई आपकी 80 BD सैलरी है, इतना ओवर टाइम चलेगा, इतने आप घर भेज दोगे, 40,000 रुपये 50,000 रुपये घर भेज दोगे, वो झूठ बोल रहा है भाई, ऐसा नहीं आओ। ठीक है, सोच के समझ के बहुत अच्छा करके आओ। और जो वेल्डर है, ठीक है, वो भी देखभाल का है, उनकी 140 से लेकर 150 BD तक सैलरी लग जाती है, ड्राइवर की सैलरी भी अच्छी लग जाती है। तो यहाँ पर आके आपको पछताना ना पड़े, तो वहाँ पर आके आप कैलकुलेट करो कि भाई अभी BD एक गूगल में देखो कितना का चल रहा है, हमारी सैलरी कितनी है, और एवरेज कंपनी ओवर टाइम कितना देगी, पहले ही कंफर्म कर लो ओवर टाइम कंपनी देगी या नहीं देगी, और दे रही है तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो सारी चीज़ें सोच के समझ के आओ भाई, फिर पछताना ना पड़े। ठीक, और मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। इसी तरीके की मैं जानकारी, बहुत हेल्पफुल जानकारी मैं देते रहता हूँ। ठीक है, और ऐसी जानकारी देखने के लिए मेरा जो सब्सक्राइब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो हमारे नए व्यूवर्स है। ठीक है दोस्तों, मुझे कमेंट्स में लिखे कि मुझे ये जानकारी चाहिए, इस वीडियो इस जानकारी के ऊपर आप मुझे एक वीडियो बनाएं। ठीक है, मैं सबके लिए वो वीडियो बनाऊंगा, और किसी का भी भला होएगा, हो सकता है किसी का भला हो जाए, वो दुआ दे। ठीक है भाई दोस्तों, ओके, आज तक के लिए यही जंगे थी। जय हिंद, जय भारत।